Hello friends, in the last class we have discussed the image formation by a plane mirror. एक plane mirror किस तरह से image form करता है ऐसा हमने last class में देखा था. Now, अब ये तो क्या था कि एक plane mirror था कि plane mirror मेरे सामने है, मैंने उसमें देखा और image form हो गई. लेकिन जब आप barber shop पे जाते हैं, नाई की दुकान, वहां पे आप देखते हैं कि एक mirror सामने होता है, एक mirror पीछे होता है, इस तरह से बहुत सारे मिरर्स वहां पे लगे हुए होते हैं. तो उस केस में क्या होता है कि एक मिरर जो आपके सामने है उससे तो आपकी इमेज बनती ही है, लेकिन जो मिरर आपके पीछे होता है उससे भी आपकी एक इमेज फॉर्म हो जाती है. तो अपन इस चीज को कहते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन. इसे हम कहते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन. नाउ मल्टीपल रिफ्लेक्शन में हम बात करेंगे दो प्लेन मिरर्स की, कि दो प्लेन मिरर्स अगर मैं रखूं तो उसमें किस तरह से इमेज फॉर्मेशन होता है, हम ये जानने की कोशिश करेंगे. सबसे पहला केस मान लीजिए कि दो मिरर्स मैंने कुछ इस तरह से रखे आमने सामने, बिल्कुल इसको हम कह सकते हैं कि दो प्लेन मिरर्स पैरेलली रखे हुए हैं. आप देख सकते हैं बिल्कुल पैरेलली है. नाउ बिल्कुल बार्बर की शॉप में एग्जैक्टली इस तरह का ही पैटर्न आप देख सकते हैं. यहां पे एक मिरर होता है, यहां पे एक मिरर होता है. लेट अस सपोज कि यहां पे एक पर्सन पी कुछ इस तरह से खड़ा हुआ है. नाउ इसको हम नाम देते हैं लेट से मिरर वन, इसको नाम देते हैं लेट से मिरर टू. अब जैसे ही ये पर्सन पी इन दो मिरर्स के बीच में आएगा, दोनों मिरर्स से इसकी एक इमेज फॉर्म होगी. जैसे अगर मैं बात करूं इस मिरर से, तो इस मिरर से किस तरह की इमेज होगी हमने लास्ट क्लास में देखा था. जितनी दूरी पे ये पर्सन इस मिरर से खड़ा है उतनी ही दूरी पे इसकी एक इमेज कुछ इस तरह की फॉर्म हो जाएगी. आप देख सकेंगे कुछ इस तरह से इमेज इसकी फॉर्म होगी. और उतनी ही दूरी पे होगी जितनी दूरी पे ये पर्सन मिरर से खड़ा है. इसको हम नाम दे देते हैं फर्स्ट इमेज, मिरर सॉरी इमेज फॉर्म बाय मिरर वन. नाउ जैसे इस पर्सन की इमेज इस मिरर से यहां पे एक फॉर्म हुई, उसी तरह से इस पर्सन की एक इमेज ये वाला मिरर भी फॉर्म करेगा. और वो किधर करेगा? एग्जैक्टली इसके पीछे. जितनी दूरी पे ये पर्सन इस सेकेंड मिरर से, मिरर टू से खड़ा है, एग्जैक्टली उतनी ही दूरी पे इसकी एक इमेज फॉर्म होगी जो कि कुछ इस तरह से हमें दिखाई देगी. आप देख सकते हैं ये इन्वर्ट हो गया और यहां पे भी ये इन्वर्ट हो गया, लेकिन इन्वर्ट होने का तरीका दोनों केसेस में बदल गया. नाउ हमने ये देखा कि इस पर्सन की एक इमेज इसने फॉर्म करी और इस पर्सन की एक इमेज इस मिरर ने भी फॉर्म करी. नाउ क्या मैं कह सकता हूं कि ये जो इमेज है, ये वाली इमेज, ये इमेज अगेन है तो एक ऑब्जेक्ट की इमेज ही, तो ये एक ऑब्जेक्ट की तरह ही दिखेगी. तो मैं मान सकता हूं कि ये इमेज इस मिरर के लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी. किसके लिए? मिरर वन के लिए. कौन सी इमेज? मिरर टू से फॉर्म की गई पर्सन की इमेज इस मिरर के लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी. नाउ अगर ये एक ऑब्जेक्ट है और ये इस मिरर से कुछ इतने डिस्टेंस पे है, इसको हम नाम दे देते हैं लेट्स से डिस्टेंस डी वन. दिस इमेज इज एट द डिस्टेंस ऑफ डी वन फ्रॉम मिरर वन. नाउ अब अगर ये मिरर वन से डी वन की दूरी पे है, तो इस इमेज की एक और इमेज एग्जैक्टली यहां पे फॉर्म होगी. किसके द्वारा?
मिरर वन के द्वारा, कितनी दूरी पे, एग्जैक्टली डी वन डिस्टेंस पे। तो इससे हम डी वन डिस्टेंस नाप लेते हैं, कुछ इतना है लगभग। तो कहीं यहां पे एक इमेज फॉर्म होगी, इसकी इमेज अपन देख सकते हैं बिल्कुल इस तरह से घूम जाएगी, इन्वर्ट हो जाएगी, ओके नाउ, और इरेक्ट रहेगी। यह इमेज इस तरह से फॉर्म नहीं होगी, इस तरह की नहीं होगी, हमने ऐसा प्लेन मिरर में सीखा था। सो यह इमेज एक इरेक्ट रहेगी और लेटरली इन्वर्टेड रहेगी, यह हमने सीखा था लास्ट क्लास में। नाउ अब हम देखते हैं, अब हम कंपेयर करते हैं, हम देख सकते हैं कि पी की जो पर्सन है उसकी इमेज मिरर वन से जो बनी थी, इट इज वर्चुअल, यह एक वर्चुअल इमेज है। उसी तरह से यह लेटरली इन्वर्टेड भी है, उसी तरह से यह इरेक्ट भी है, और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट, यह सेम साइज की है। ये सेम साइज की इमेज है। नाउ ये तो हुई मिरर इमेज फॉर्म बाय फर्स्ट मिरर, इसी तरह से सेकंड मिरर की भी एक इमेज यहां पे बन रही है। यह इमेज भी वर्चुअल है, यह इमेज भी लेटरली इन्वर्टेड है, यह इमेज भी इरेक्ट है, और उसी तरह से ये सेम साइज की भी है। ओके सिमिलरली अगर हम इस इमेज की बात करें तो ये इमेज किसकी है, इसकी। ये क्या है, ये इस पर्सन की इस मिरर के द्वारा बनाई गई एक इमेज है। तो इमेज की वापस से एक इमेज फॉर्म हो रही है। अगर मैं इस इमेज से कंपेयर करूं, इसको एक ऑब्जेक्ट की तरह मानूं, तो इसके कंपैरिजन में ये इमेज एक वर्चुअल इमेज है। उसी तरह से इस इमेज के कंपैरिजन में यह इमेज लिटरली इन्वर्टेड भी है, अगेन इसके कंपैरिजन में यह इरेक्ट भी है, एंड लास्ट थिंग सेम साइज, इट विल बी ऑफ सेम साइज। यह पर्सन ऐसा दिख रहा है, यहां पे ये ऐसा दिखेगा, साइज बिल्कुल बराबर रहेगा। सो अपन लिख सकते हैं इट इज ऑफ सेम साइज। नाउ जो मेरा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था वह कौन सा था, वह ये पर्सन है पी। यह क्या है, यह सिर्फ उसकी एक इमेज है, एंड दिस वन अगेन ये उसकी एक इमेज है। मैं अगर इस तरह से खड़ा हूं, मेरे सामने जो मिरर है, मेरी इमेज मेरे आगे के पोर्शन की इमेज वहां बनेगी। अगर मेरे पीछे एक मिरर है तो मेरे पीछे पोर्शन की एक इमेज वहां पे बनेगी। उसी तरह से यह इमेज इस पर्सन की पीछे की इमेज है, बैक साइड की इमेज, और ये वाली ये उसके फ्रंट साइड की इमेज है। नाउ अगर हम इस इमेज टू को, सेकेंड इमेज को, इस इमेज को अगर मैं कंपेयर करूं ओरिजिनल ऑब्जेक्ट से, किससे, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट से, तो आप देख सकेंगे कि ओरिजिनल ऑब्जेक्ट और ये इमेज बिल्कुल सेम है, ये एग्जैक्टली सेम है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इस पर्सन की पहली इमेज किसने बनाई थी, मिरर टू ने, और इस पर्सन की पहली इमेज क्या थी, लेटरली इन्वर्टेड, बिल्कुल घूम गई थी। और उसके बाद ये जो लेटरली इन्वर्टेड इमेज इसने फॉर्म की है, इसकी वापस से इमेज किसने बनाई, मिरर वन ने, जो कि वापस से घूम गई। तो अगर मैं कॉइन पे हेड्स है, मैं उसको ऐसा घुमाऊं फिर वापस से घुमा दूं, सो इट मींस वो वापस से सेम फेस आ जाएगा। मैं इस तरह से खड़ा हूं, पहले मैं इस तरह से घूम जाऊं और फिर वापस से इस तरह से घूम जाऊं, तो अगेन मैं उसी पोजिशन पे आ जाऊंगा जहां से मैंने घूमना शुरू किया था। सो हेंस
ये वाला ऑब्जेक्ट और ये वाला इमेज बिल्कुल सेम दिखाई देगी। नाउ अब जैसे इसकी एक इमेज इस मिरर ने यहां पे फॉर्म की, उसी तरह से इसकी भी एक इमेज यह मिरर यहां पे पीछे फॉर्म करेगा। सिमिलरली हम देख सकेंगे कि एक इसकी इन्वर्टेड इमेज इधर कहीं पे फॉर्म हो जाएगी यहां पे। नाउ उसके बाद यह जो इमेज है दिस वन, इसकी एक इमेज इस मिरर से वापस से पीछे फॉर्म होगी, इसकी एक इमेज यहां से ये जो फॉर्म हुई है। नाउ इसकी इमेज वापस से यहां बनी दिस मिरर के द्वारा, फिर वो जो इमेज बनेगी वो वापस से इस मिरर से एक और इमेज आगे फॉर्म करेगी, और ये पैटर्न ये चलता रहेगा कंटिन्यूअसली। हम देख सकेंगे कि ये पैटर्न चल रहा है, एंड वी विल फाइंड कि अगर दो प्लेन मिरर्स इस तरह से पैरेलली लगे हुए हैं सो वी विल गेट इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस। हमें यहां पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस मिलेंगी, ऐसा आप बहुत आसानी से बार बार शॉप में ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे ही आप वहां पे एंटर करते हैं आप देखेंगे कि आपको बहुत सारी इमेजेस दोनों मिरर्स में फॉर्म होती हुई दिखाई देंगी। नाउ अगर मैं कंपेयर करूं इमेजेस को, तो लेट्स से मैं ये पर्सन हूं, मैं ऐसा खड़ा हुआ, आई एम स्टैंडिंग लाइक दिस। अगर मैं अपना राइट हैंड ऊपर करता हूं, राइट हैंड ऊपर करता हूं, तो ये वाली इमेज ये इस इमेज की एक सॉरी इस ऑब्जेक्ट का एक इरेक्ट इमेज है। तो अगर यहां पे मैं खड़ा हूं और मैं अपना राइट हैंड ऊपर करूंगा तो ये इमेज अपना लेफ्ट हैंड उठाएगी। सिमिलरली अगर मैं यहां खड़ा हूं और मैं राइट हैंड ऊपर करता हूं तो ये वाली इमेज एग्जैक्टली सेम है, सो ये वाली इमेज भी अपना राइट हैंड ऊपर करेगी। सो दिस इज द ब्यूटी, दिस इज द मिरेकल ऑफ दिस प्लेन मिरर्स, कि दो प्लेन मिरर आपने लगाए तो आपको आपकी इमेज की भी इमेज दिखने लगेगी। एंड डिस्टेंस एज वी नो, इसका जितना डिस्टेंस यहां से है उतना ही डिस्टेंस यहां से होगा, फिर वह वाली इमेज इस इमेज का डिस्टेंस मिरर टू से हम नापेंगे, देन सिमिलरली उतनी ही दूरी पे इसकी एक और इमेज फॉर्म होगी, एंड मल्टीपल ऑफ इमेज, एंड वी विल गेट इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन व्हेन दिस इज द केस वन, टू पैरेलल प्लेन मिरर्स। जब हमने दो प्लेन मिरर्स को बिल्कुल पैरेलल लगाया तो हमें कुछ इस तरह का पैटर्न देखने को मिला। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप बाल कटवाने जाएं, नाई की दुकान पे जाएं, तो एक बार इस चीज को ऑब्जर्व जरूर करें, यू विल गेट टू नो व्हाट एग्जैक्टली प्रैक्टिकली ये किस तरह से होगा। ओके, नाउ यू कैन नोट डाउन दिस, देन वी विल स्टार्ट द सेकेंड थिंग। आगे बढ़ते हैं। नाउ हमने ये देखा कि दो प्लेन मिरर्स को जब मैं पैरेलली अरेंज कर देता हूं तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होती हैं, सेम साइज की होती हैं, लिटरली इन्वर्टेड फॉर्म होती हैं। देन अगर मैं दो प्लेन मिरर्स को पैरेलल की जगह परपेंडिकुलरली अरेंज कर दूं लाइक दिस, कुछ इस तरह से मैंने दो प्लेन मिरर्स को पैरेलल की जगह परपेंडिकुलरली अरेंज कर दिया, दिस इज लेट्स से मिरर वन, दिस इज लेट्स से मिरर टू। सो सेकंड केस क्या हो जाएगा हमारा, टू परपेंडिकुलर प्लेन मिरर्स।
दो प्लेन मिरर बिल्कुल परपेंडिकुलर एक दूसरे पे रखे हुए हैं। ऐसा अपन कहाँ देख सकते हैं, अगेन बार्बर शॉप में, जहाँ पे दो दीवारें आके मीट होती हैं। आप देख पाएंगे कि वहाँ पे एक मिरर कुछ इस तरह से है, ये सामने वाली दीवार पे, और एक मिरर इधर वाली दीवार पे। तो जो इनका कोना होता है जहाँ पे ये दोनों मिरर्स मीट होते हैं, जहाँ पे दो दीवारें मीट होती हैं, वहाँ पे इस तरह का ऑब्जर्वेशन आप देख सकते हैं कि आपको एक मिरर इस तरह से दिखेगा, दूसरा मिरर कुछ इस तरह से अरेंज हुआ दिखाई देगा। नाउ अगर मैं इस कोने पे जाके खड़ा हो जाऊं, मींस समवेयर हियर, कहीं यहां पे जाके खड़ा हो जाऊं और इस मिरर में देखूं, तो क्या दिखाई देगा? एग्जैक्टली मेरी एक इमेज, ये मिरर इस यहां पे इस रीजन में इस पोर्शन में फॉर्म करेगा। किस तरह से? लेट से मैं मान लेता हूं कि यहां से डिस्टेंस कुछ h1 है, h1 डिस्टेंस, देन सिमिलरली एग्जैक्टली यहां से भी h1 की दूरी पे, लगभग इतनी दूरी, एक इमेज, दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज ओ, लेट से एक इमेज यहां पे फॉर्म होगी जिसको हम नाम दे देते हैं i1। यह इमेज किसके द्वारा फॉर्म हुई? मिरर वन ने यहां पे एक इमेज फॉर्म की जिसको हमने नाम दिया i1। एंड दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो h1, यहां से यहां तक का। नाउ देन हम मान लेते हैं कि मैंने मिरर टू की तरफ देखा। अभी मैं ऐसा खड़ा था, मेरे सामने दो दीवार मीट हो रही थी, अभी मैं सामने की दीवार पे देख रहा हूं, अब मैं इधर की दीवार पे देखूंगा। सो व्हाट आई विल फाइंड कि अगर मेरी दूरी इस मिरर से h2 है, तो एग्जैक्टली इतनी ही दूरी पे एक इमेज मुझे दिखाई देगी, दैट इज i2। एग्जैक्टली मेरी इमेज ही मुझे यहां पे दिखाई देगी। नाउ व्हाट कैन बी द नेक्स्ट, अब क्या हो सकता है? अब मैंने सामने की दीवार पे देख लिया तो मुझे इमेज दिख गई i1, मैंने साइड की दीवार पे देख लिया तो मुझे इमेज दिख गई i2, और क्या? और ये कि अगर मैं जहां पे दोनों मिरर्स मीट हो रहे हैं, जहां पे दोनों दीवारें मीट हो रही हैं, उस पॉइंट पे देखूं, मींस यहां पे अगर मैं इस तरफ देखने लगूं, तब क्या होगा? अपन इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। लेट से इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे कुछ इस तरह से मिरर वन से टकराती है, दिस, लेट से एट सम पॉइंट ए, टकरा के क्या होगा? अगेन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए यह लाइट मिरर टू की तरफ चली जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सो ओ ए इज माई इंसिडेंस रे एंड ए इज माई पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। देन यहां पे हम कुछ नॉर्मल रे फॉर्म करते हैं, इट विल गेट रिफ्लेक्टेड लाइक दिस एंड विल फॉल ऑन मिरर टू। अब यह रिफ्लेक्टेड रे जो कि मिरर वन से रिफ्लेक्ट हुई है, दैट इज ए बी रे, ये फॉल होगी मिरर टू पे। सो ए बी इज द रिफ्लेक्टेड रे फॉर मिरर वन एंड इंसिडेंस रे फॉर मिरर टू। देन इट विल अगेन गेट रिफ्लेक्टेड, यहां से ये फिर से रिफ्लेक्ट होगी, अगेन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए, एंड इट विल बी रिफ्लेक्टेड लाइक दिस। सो आई विल से बी सी इज द रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम मिरर टू। मिरर टू से यह क्या है? यह एक रिफ्लेक्टेड रे है। नाउ हमें दिखाई देगा कि ये जो लाइन है, ये जो रे है, रिफ्लेक्टेड रे, ये मिरर के पीछे से कहीं से आ रही है, समवेयर हियर, ये कुछ इस तरह से हमें दिखाई देगा कि इस पीछे से कहीं से ये रे इधर आ रही है। अब जिस तरह से हमने ये माना कि एक रे ओ से निकल के मिरर वन को टकराती है, उसी तरह से एक रे मिरर टू से भी टकराएगी। सो लेट से वो कुछ इस तरह से फॉल हुई एट सम पॉइंट
डी, वह डी पॉइंट पे फॉल हुई। नाउ अब क्या होगा, अगेन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए यह लाइट रिफ्लेक्ट होगी, किस तरफ होगी, एग्जैक्टली मिरर वन की तरफ। सो हम यहां फिर से एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं एंड वी विल फाइंड कि ये लाइट रे कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट होती है। कुछ इस तरह से ये लाइट रे रिफ्लेक्ट होती है और यहां कहीं जाके टकराती है इस पॉइंट पे। लेट अस से दिस पॉइंट इज ई। सो ओ डी ओ डी ओ डी इज द इंसिडेंस रे ऑन मिरर टू एंड दिस डी ई, दिस लाइन, दिस रे डी ई, डी ई इज द रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम मिरर टू। दिस इस तरह से टकराई एंड देन रिफ्लेक्ट हो गए। नाउ वॉट, अब ये डी ई जो कि मिरर टू से रिफ्लेक्टेड रे है वह मिरर वन के लिए एक इंसिडेंस रे की तरह काम करेगी और मिरर वन से टकराने के बाद वह भी रिफ्लेक्ट बैक होगी और अगेन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस को फॉलो करते हुए वह लाइट रे कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी एंड लेट से दिस इज द पॉइंट एफ। सो ई एफ जो होगा, ई एफ विल बी द रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम मिरर वन। और क्या दिखाई देगा हमें, ये दिखेगा कि ये ई एफ वाली रे पीछे कहीं मिरर के पीछे से कहीं से आ रही है एंड वी विल फाइंड समवेयर हेयर एंड वी विल फाइंड समवेयर हेयर द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। वी विल फाइंड कि इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट ओ विल बी फॉर्म्ड हेयर। यहां पे हमें दिखाई देगा कि एक ओ की एक इमेज फॉर्म हो रही है जिसे हमने नाम दे दिया I3। I3 क्या है, I3 इमेज है O की। लेकिन ये इमेज बनी किस तरह से है, ये इमेज O से निकलने वाली रेस का दो बार रिफ्लेक्शन हुआ उसके बाद ये इमेज फॉर्म हुई है। तो जैसा कि हमने प्लेन मिरर में देखा था, मैं इस तरह से खड़ा हूं, मेरी इमेज फॉर्म हुएगी तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगी, फिर वापस से मेरी इमेज फॉर्म हुई तो मैं इस तरह से हो जाऊंगा। तो दो बार रिफ्लेक्शन होने से दो बार लेटरल इन्वर्जन हुआ, दो बार लेटरल इन्वर्जन होने से वापस से उसी पोजीशन पे आ गए जहां से शुरू किया था। सो इट मींस जो इमेज I1 एंड I2 होगी वह वर्चुअल होगी एंड लेटरली इन्वर्टेड होगी, देन इरेक्ट तो होगी ही ऑब्वियसली बिकॉज इट्स अ प्लेन मिरर, देन इट विल बी ऑफ सेम साइज, इट विल बी ऑफ सेम साइज। लेकिन इमेज 3 में थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। कैसे, क्यों होगा, क्योंकि ओ से निकलने वाली रे का दो बार रिफ्लेक्शन हो रहा है। सो दो बार रिफ्लेक्शन में हमने देखा था, एक बार लेटरल इन्वर्जन हुआ, फिर से लेटरल इन्वर्जन हुआ तो वापस उसी पोजीशन पे आके खड़े हो गए। सो आई विल से इमेज 3 जो होगी अगेन वो वर्चुअल तो होगी ही, क्या वह लेटरली इन्वर्टेड भी होगी अगर मैं ओ से कंपेयर करूं, सुनो इमेज 3 विल नॉट बी लेटरली इन्वर्टेड। सो आई विल से इट इज नॉट लेटरली इन्वर्टेड। सो यह बिल्कुल उसी तरह से होगी जिस तरह से यह ऑब्जेक्ट है। सो अगर मैं इस तरह से खड़ा हूं, सो मिरर वन में अगर मैं मेरा राइट हैंड उठाता हूं तो मिरर वन अपना लेफ्ट हैंड उठाएगा, मतलब लेटरल इन्वर्जन हो गया। अगर मैं मिरर टू में देख के अपना राइट हैंड उठाता हूं, सो मिरर वन, सॉरी मिरर टू में जो इमेज है वो अपना
लेफ्ट हैंड उठाएगा, मतलब यहां पे भी लेटरल इन्वर्जन हो गया, लेकिन इन दिस केस अगर मैं इस तरह से खड़ा होके और एग्जैक्टली जहां दो मिरर मीट होते हैं उस कोने पे देखूं, सो अगर मैं मेरा राइट हैंड उठाऊंगा तो ये इमेज I3 भी अपना राइट हैंड ऊपर करेगी। अगर मैं मेरा लेफ्ट हैंड उठाऊंगा सो इमेज I3 भी अपना लेफ्ट हैंड ऊपर करेगी। सो हम कहेंगे कि यहां पे लेटरल इन्वर्जन नहीं हुआ। सो नॉट लेटरली इन्वर्टेड, देन इट विल बी इरेक्ट। ऐसा नहीं है कि इमेज I3 में मैं पतला दिखूंगा या मैं और मोटा दिखूंगा। सो बिल्कुल जिस तरह का मेरा साइज है, जितना मैं अभी मोटा हूं उतना ही मैं मोटा I3 में भी दिखाई दूंगा। ओके, देन इरेक्ट तो होगी, इरेक्ट के बाद क्या हो सकता है? ऑब्वियस सी बात है, नेक्स्ट इज सेम साइज। ओके, सो वी विल से कि अगर दो प्लेन मिरर्स परपेंडिकुलरली रखे हुए हैं तो यहां पे थ्री इमेजेस विल बी फॉर्म्ड। यहां पे हम देख सकेंगे कि तीन इमेजेस फॉर्म होती हैं। अब ये कंक्लूजन हमने कैसे लिया? अब देखिए, इमेज कब फॉर्म होती है? इमेज तब फॉर्म होती है जब किसी मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट आता है या फिर किसी ऑब्जेक्ट की इमेज आती है। जैसा कि हमने प्लेन मिरर में देखा, हर नई इमेज, हर नई बनने वाली इमेज हमेशा मिरर के सामने ही बनती है। अगर मिरर टू कोई इमेज फॉर्म करता है इधर, तो वो इमेज मिरर वन के बिल्कुल सामने होती है, तो इसलिए मिरर वन भी एक इमेज फॉर्म कर देता है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा। अगर आप ध्यान से देखें तो O का एक इमेज I1 यहां पे बना, क्या ये I1 मिरर 2 के सामने है? नहीं। सो इसीलिए I1 का रिफ्लेक्शन वापस से नहीं होगा, मिरर 2 से कोई रिफ्लेक्शन नहीं दिखाई देगा। सिमिलरली मिरर 2 से जो इमेज बनी थी I2, क्या I2 मिरर 1 के सामने है? नहीं, ऐसा नहीं है। सो इसीलिए हम कहेंगे कि I2 का भी कोई रिफ्लेक्शन मिरर 1 में नहीं होगा। देन अगर मैं I3 की बात करूं तो I3 तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ही सेपरेटेड है, ना वो मिरर 1 के सामने है ना वो मिरर 2 के सामने, तो इसीलिए I3 का भी अगेन कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा। एंड फाइनली वी विल गेट थ्री इमेजेस, तीन इमेज हमें दिखाई देंगे। सो यहां पे हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज प्लेन मिरर्स फिनिश होता है। अब हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस इसके बेसिस पे देखते हैं, देन we will discuss, so you can write this